हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कायनात की दुनिया। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही हॉन्टेड, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा रियल, वेल अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, दिस स्टोरी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अबाउट कारसास की दुल्हन, यानी कि ये जो वाकया मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रही हूँ, इट्स ट्रू, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट्स, मतलब ट्रू इवेंट यानी ट्रू सीरीज ऑफ इवेंट्स जो लोगों के साथ ओवर द ईयर्स हुए हैं। और आई एम श्योर कि अगर आप लोग जो है वो कराची से हैं, तो ईच वन ऑफ यू आप लोगों ने सुनी होगी ये बात। आप लोगों ने अपने बचपन में भी, या तो फिर कभी आप लोगों को किसी फ्रेंड ने सुनाई होगी ऐसी कोई स्टोरी, या मतलब आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा इसके बारे में। और ये स्टोरी है अबाउट दुल्हन ऑफ कारसास। यस, कारसास एक इलाका है कराची का, जो कि जिसको डालमिया से भी वो कनेक्ट करते हैं लोग। आई डोंट नो इफ इट्स बोथ द सेम रूट, लेकिन ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कारसास का ये वाक्य बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये काफ़ी पुराना वक्तों से ही चलता आ रहा है। और अगर देखें, कहते हैं ना कि वो अगर कोई एक बंदा एक बात कर रहा हो तो वो झूठ हो सकती है, दो बंदे कर रहे हो तो झूठ हो सकती है, मगर इतने सारे लोग ओवर द ईयर्स झूठ क्यों कहेंगे? कोई मिस्टीरियस बात तो ज़रूर है ना कारसास के बारे में, जिसकी वजह से ये रोड, ये एरिया, ये इलाका इतना पॉपुलर हो चुका है। इसके बारे में टेल्स बन चुकी है ओवर द ईयर्स, इतनी सारी लोगों ने एक दूसरे को बताया है इसके बारे में कि ये एक बहुत ज़्यादा हॉन्टेड एरिया है, जो अक्सर के रात को लोग कहते हैं आफ्टर 2:30 to 3 o'clock ये सब कुछ यहाँ। तो गाइस, फिर मैं आप लोगों से आज यही वाक्य शेयर करने वाली हूँ कि रात को 2 बजे से 3 बजे के करीब जो है ये एक्टिविटीज़, मतलब काफ़ी लोगों ने इसके बारे में शेयर किया है, अपनी स्टोरीज़ बताई है सोशल मीडिया पे। काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, वीडियोस की सूरत में आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी कि लोगों के साथ क्या इवेंट्स पेश आए हैं। वेल, जो मैंने रियलिटी में जो बात सुनी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ भी काफ़ी लोगों से काफ़ी चीज़ें, वीडियोज़ वगैरह अपनी रिसर्च प्रॉपर करने के बाद, जो बात, जो स्टोरी, जो वाकया मैंने सुना है कि जो इंसिडेंट हुआ था, वो दरअसल ये था कि एक ब्राइड थी, ठीक है, और उसकी शादी थी। एंड उसकी शादी वाले दिन, मतलब कि ऐसा हुआ था कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद से वो जगह काफ़ी, कारसास का पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड हो गया था, और वो दुल्हन अक्सर लोगों को रात में नज़र आती थी और वो लोगों से लिफ्ट मांगा करती थी। और काफ़ी, मतलब लोगों ने उसको अजीब अजीब सूरत हाल में देखा है। कभी कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्राइडल ड्रेस में होती थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक घर के बारे में बताती थी। अब वो किस घर के बारे में बताती थी? तो जी हाँ गाइस, वो अपने रियल घर के बारे में लिफ्ट का कहती थी कि ये मेरा घर है, और प्रॉपर लोकेशन देती थी। और उसके बाद या तो वो गायब हो जाती थी, या तो वो अपना, मतलब जो उसका जो हुलिया था वो तब्दील हो जाता था, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हो जाता था, जिसकी वजह से लोग डर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, भाग जाते थे। मगर आई थिंक किसी की डेथ नहीं हुई मतलब इस वाक्य में, या अगर तो कुछ सीरियस हुआ है किसी के साथ, या किसी को मालूम है इसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर हम लोगों को इस बारे में आगाही दे कि ऐसा कुछ हुआ है। बट मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सीरियस, बट लोग बीमार हो जाते थे इस इंसिडेंट के बाद, काफ़ी ज़्यादा डर जाते थे, शौक ज़्यादा हो जाते थे, काफ़ी दिनों तक नॉर्मल नहीं रहते थे। बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई भी इंसान ऐसी भयानक चीज़ देखेगा तो उसको नॉर्मल नहीं हो पाएगा काफ़ी दिनों तक वो। तो गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो प्रॉपर अपना एड्रेस बताती थी, और जब लोग, काफ़ी सारे लोगों से ये पता चला है कि जब वो उस एड्रेस में एक्चुअली में जाते थे,
तो वहां पे जाने के बाद उनको ये पता चलता था, ओ माय गॉड, कि ये घर उसी का है। और वो बहुत सालों पहले उसके वालिद साहब बताते थे कि उसकी डेथ हो गई थी इस तरीके से शादी वाले दिन, और तब से लेके आज तक वो अपने घर का एड्रेस बताती है। अब मुझे नहीं पता उसकी डेथ कैसे हुई थी एक्चुअल में, कि वो शादी वाले दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, कि जो भी स्टोरी है। काफ़ी लोग मतलब कि इस बात को नॉन सीरियस भी लेते हैं, मगर जिनके साथ ये वाकया हुआ है वो बहुत ज़्यादा कस्में खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा यकीन से कहते हैं कि नहीं, ये वाकया नहीं, ये रियल वाकया है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, और ऐसा हुआ होगा। बिकॉज ऑब्वियसली गाइस, जिन्नात और ये सब चीज़ों का जिक्र हमारे कुरान में भी है, और सो इट्स वेरी वेरी पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल कि ऐसा हुआ होगा। और अक्सर मतलब के वो ब्राइड लोगों को नज़र आती है, लोगों से लिफ्ट मांगती है, और लोग उसको लिफ्ट, मुझे नहीं पता किसी ने दी है या नहीं, ये भी आप लोग कमेंट्स में सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि जिसने भी दी होगी या जिसने भी उसे देखा होगा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, स्पेशली रात के टाइम जब वो इंसान अकेला ड्राइव कर रहा हो या अकेला बाइक पे से गुजर रहा हो। और लोगों ने ये भी बताया है कि लोग उसको हमेशा ब्राइडल आउटफिट में या वाइट आउटफिट में देखते हैं, वो बहुत टॉल नज़र आती है, वो बहुत ज़्यादा एक चूड़ियाँ हाथ में, और बहुत ज़्यादा, और वो अपना रूप पहले तो बड़ा खूबसूरत रखती है और बाद में उसका रूप भयानक से भयानक से भयानक होता जाता है। और फिर वो लोगों को मतलब कि इस तरीके से मतलब उसका होना, मतलब लोग इतना ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। तो गाइस, कारसास की जो वाकया है ना, ये बहुत ज़्यादा रियल है, ठीक है। इस पे बिलीव करना ना करना हमारे ऊपर है, मगर मैं कहती हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों में बिलीव होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मैंने अपना भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो मेरे साथ हुई थी, जो मेरा रियल स्टोरी है, वो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया है पहले भी। उम्मीद करती हूँ आज की वाली आपकी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ट्राई किया है आपको ये वाकया आप लोगों के साथ बताने की, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कराची में, और अगर आप लोग भी कराची आना चाहते हैं तो फिर इस कारसास की दुल्हन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोग कभी भी कारसास के रूट से रात को गुजरे तो आप लोगों को पता हो कि यहाँ आप लोगों को क्या मिल सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट भी कर सकते हैं वो टॉपिक क्या होना चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।